आज तबीयत और कुछ करना है ए बाबुल मुरा ए बाबुल मुरा बाबुल मोरा नहीं है रे छोड़ नहीं जाए बाबुल मोरा नहीं है रे छोड़ नहीं जाए नहीं है रे छोटो ही जाए
बाबूला मोरा बाबूल रचना के दो मतलब हैं। एक तो वास्तविक रूप से शादी के बाद बेटी जा रही है और दूसरा यह है कि हम विदा हो रहे हैं, ये शरीर रूपी चोला छोड़ रहे हैं। बाबुल मोरा नैहर छूटू जाए, ए बाबुल बाबुल मोरा बाबुल मोरा बाबुल
चार कहार मिली चार कहार मिली चार 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 कहार मिले डोलियां उठावे अपना बेगाना अपना बेगाना मोस छोड़ चार कहार मिली चार कहार अरे डोलिया उठा मन है चार ये बोल है पुगम का क्या बोल है यार अरे डोलिया उठा चार कहार डोलिया अपना बेगाना मौसम छूट ले जाए नैहर छूट जा पर्वत भाई
अंगना तो पर्वत भले देवड़ी पाई देवड़ी बजे विदेश देवड़ी बजे विदेश अंगना तो जब राजन भाई ने शुरू में कहा था कि कई बहुत बड़ी तपस्या का जब फल मिलता है तो कभी एक सच्चा स्वर लग जाता है, शायद कई लोगों को लगा होगा कि आउट ऑफ मॉडेस्टी इन्होंने कहा है, ऐसी बात नहीं है। मैं एक दृष्टांत आपको देता हूं। एक बार कुमार गंधर्व, उनकी उन्होंने कई लोगों से सीखा, अंजनी बाई मापसेकर उनसे भी सीखा था उन्होंने। तो अंजनी बाई जब मृत्यु शज्जा पर थी तो एक बार कुमार उनसे मिलने गए। उन्होंने कुमार से कहा कि कुछ सुनाओ, तो उन्हीं की सिखाई हुई भैरवी वो कुमार ने उन्हें सुनाई। थोड़ा देर सुन के वो रोने लगी तो कहा, माई क्यों रो रही हो? कहा कि बेटा मुझे सारे सुर भी दिखाई दे रहे हैं लेकिन गला वहां तक पहुंच नहीं सकता। जिस दिन गले में सामर्थ्य थी उस दिन सुरों के दर्शन नहीं हुए, आज सुरों के दर्शन हो रहे हैं तो मैं दूसरी दुनिया को जा रही हूं। तो जो राधन भाई ने ये बात कही
तो मुझे समझ में आ गया कि ना अब साधना जो है बिल्कुल पूरी पराकाष्ठा पर है। इन दोनों सरस्वती वरद पुत्रों की साधना बिल्कुल अब अपने चरम सीमा को छू रही है। अब इन्हें संगीत का वो महासागर दिखाई दे रहा है। और इन साधकों की जब सच्चे सुर लगते हैं फिर क्या बात है। आज के इस ये महफिल बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। क्या भटियार, क्या रामकली, क्या भैरव, क्या वृंदावनी सारंग, क्या भैरवी, आहा। अब पूरी छूट है आपको ताली बजाने के लिए। मैं चाहूंगा खड़े होकर के लेट्स गिव देम स्टैंडिंग ओवेशन। अरविंद जी के लिए, अजय भाई के लिए, हमारे दोनों युवा मित्र हसन और हिमांशु मकवाना के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।